नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रास कला मंच में। और आज हमारे साथ हैं यशपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रास कला मंच के स्टेज पे। शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जी सर, आपने अपना करियर हरियाणा से ही शुरू किया, हिसार से ही, और आज भी हम बड़े दिग्गजों से मिलते हैं थिएटर लाइन से जुड़े हुए, और उनकी एक ही एक दिक्कत रहती है कि बॉम्बे जाके ही करियर शुरू करना। उनका पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि बॉम्बे जाएंगे तो ही एक एक्टर बना जा सकता है। तो उसके बारे में क्या कहना सर आपका? नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है जी। और कम से कम आज के युग में जहाँ डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, OTTs आ गए हैं और YouTube है, सोशल मीडिया है, यहाँ एक भिखारिन लेडी भी अगर गाना गाती है तो पूरे वर्ल्ड पे छा जाती है जी। यहाँ पे एक लड़की तमिलनाडु में आंख मारती है तो अगले दिन तक मतलब करोड़ों उसके फैन फॉलोइंग हो जाती है। तो आज के युग में तो ये सोचना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि बॉम्बे में ही कैरियर बनेगा या शुरुआत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर जगह बॉम्बे वाले हरियाणा आ रहे हैं, बॉम्बे वाले यूपी जा रहे हैं, बॉम्बे वाले हर जगह घूम रहे हैं कास्टिंग करने के लिए, ताकि उनको नए चेहरे मिले OTT के लिए, फिल्मों के लिए। तो ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलत फहमी है लोगों के अंदर या यंग जनरेशन के अंदर कि हमें बॉम्बे जाकर करियर बनाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आज काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है और थिएटर करने वाला, क्योंकि थिएटर को अगर आप सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर थिएटर पे के ऊपर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है इतना। हाँ, आपको क्लैरिटी है, मुझे मालूम है कई लोगों को क्लैरिटी होती है कि भाई मैं थिएटर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दिन एक्टर फिल्मों में बनना है, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया कर रही है, नसीरुद्दीन शाह ने किया, ओमपुरी ने किया, अनुपम खेर ने किया, दुनिया भर इरफान खान, नवाजुद्दीन जी, सारी दुनिया कर रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कितना जेन्युइन काम करते हो, कितना अच्छा काम करते हो। सिनेमा में जा कर के भी आप सेलेक्टिव काम करते हो और NSD का या थिएटर का नाम डुबोना नहीं है तो कैसा काम करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर, आजकल डिजिटल युग है, आपने जैसे बताया डिजिटली है, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, पर इसके साथ साथ एक ड्रॉबैक ये है कि डिसिप्लिन की कमी आ गई। थिएटर चलता है डिसिप्लिन से, जहाँ तक हमने जाना, आपने भी अनुभव किया होगा कि एक डिसिप्लिन और एक सच्चाई जो होती है, पवित्रता होती है जो स्टेज की, वो खो गई है। देखिए, इसके जो अब मैं नाम नहीं लूँगा, मान लो स्टार है कोई बॉम्बे में, सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, वो शाम को या दोपहर बाद 3 बजे आता है जी, डिसिप्लिन नहीं है ना, बट दे आर स्टार। बट स्टार बनने के बाद में देखो, एक बात है, वो स्टार तो 2 मिनट में नीचे भी आ सकता है ना, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो जी। मैं ये कह रहा हूँ, एक जेन्युइनिटी और एक आपका कॉन्फिडेंस और कन्विंसिंग पावर, आपकी स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं थिएटर का हूँ, मेरे को 7 बजे का टाइम दिया जाता है, मैं फिल्मों में 7 बजे पहुँच जाता हूँ, 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ, लेकिन फिर पता चलता है कि मैं ही फुद्दू हूँ। मतलब स्पॉट बॉय भी 7:30 बजे आ रहा है, कॉस्ट्यूम वाले भी 8 बजे आ रहे हैं, मैं फिर क्यों 7 बजे? इतना डिसिप्लिन भी ठीक नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी से एक बात सीखी है, क्योंकि मैंने एक फिल्म आरक्षण की है उनके साथ, काफ़ी सीन थे हमारे साथ में, उनसे एक बात मैंने बहुत अच्छे से सीखी है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे या दुनिया का जो भी रूटीन हो, कैसा भी डिसिप्लिन हो, मेरा डिसिप्लिन है और मैं अपने टाइम से पहुंचूंगा। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर को शर्म आनी चाहिए अगर वो मेरे सही वक्त का सही फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन की कद्र हर जगह है, लेकिन आपको ये बस जानना ज़रूरी है कि कहाँ ओवर डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका फिर मजाक उड़ने लगता है उस चीज़ से। सो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ। तो सर, इन थिएटर में नहीं, मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ, थिएटर में डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए, चाहे कोई भी डायरेक्टर रियली। डिसिप्लिन भी होना चाहिए, जेन्युइनिटी भी होनी चाहिए। जेन्युइन अगर हम बोले कि एक पवित्र इंसान जो दिल से उस किरदार को निभाता है, अब वो दिल से निभाता है कि दिमाग से निभाता है, उसमें आप थोड़ा फ़र्क बता दीजिए, क्योंकि जहाँ स्पॉन्टेनियस एक्टिंग आ जाती है और एक मेथड जो आ जाता है, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इस पर काफ़ी तर्क वितर्क होते रहे, खासकर थिएटर आर्टिस्ट और बॉलीवुड में जो नॉर्मल कैमरा एक्टिंग कोर्स करके आए हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए,
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में चार तरीके बताए हैं जो एक्टिंग के, मतलब एक तो वाचिक जी वॉइस एंड स्पीच, एक आंगिक विद बॉडी मुद्राएं एंड एवरीथिंग जी, और एक आहार्य आपका मेकअप कॉस्ट्यूम। लेकिन ये तीनों बेकार हैं अगर सात्विक, चौथा सात्विक नहीं है तो। तो सात्विक का मतलब क्या है? आत्मिक, अंतरात्मा से जो सामने टच कर जाए, फीलिंग के साथ महसूस करके के, ताकि सामने वाला भी हिल जाए। और वो क्या है, अगर हम सिर्फ दिमाग से करेंगे काम तो मैनिपुलेशन आ जाएगी, टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा और मोनोटोनस हो जाएगा। और सिर्फ दिल से करेंगे कि दिल से करना है, मतलब आत्मा से करना है, सिर्फ आत्मा से करेंगे तो आपको अगर किसी का कत्ल करना है तो आप शायद मार भी दें उसको, या बोलेंगे मैं एक्टिंग में अंदर घुस गया था। तो होते हैं ना, कई घुस जाते हैं तो मतलब वो बड़े बड़े तहस नहस, कंट्रोल में नहीं रहते, आपे में नहीं रहते। इसलिए तीसरी आंख हमेशा खुलना बहुत जरूरी है। तीसरी आंख खुली होना, वो तीसरी आंख जो है वो हमारा दिमाग है। तो सर, दिलीप कुमार की जो एक्टिंग थी और अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है, आप जो दो कंपैरिजन दे रहे हैं, दिलीप कुमार जो एक्टिंग जिसमें आप कह रहे हैं अंदर घुस जाते थे लेकिन वो अच्छे से, बट अमिताभ बच्चन जो अभी करते हैं किरदार को, उसमें क्या फर्क है सर? अभी सर अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार या इरफान खान या नवाजुद्दीन जो भी करते हैं, आप देखिए उसमें कंट्रोल है। वो जो कंट्रोल है वो जो एक वो है, वही दिमाग है। अंदर से चाहे बहाव चल रहा हो, अंदर से चाहे मतलब महसूस कर रहे हो, आंखों में आंसू आ रहे हो, चाहे गुस्सा हो, जो भी भाव है वो चल रहा हो, लेकिन एक कंट्रोल है। वो कंट्रोल जो है वही तीसरी आंख है, थर्ड आई ऑफ एन एक्टर, जो कि हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। दिमाग एक कदम आगे, फिर दिल एक कदम आगे, दिमाग एक कदम, मन एक कदम, ऐसे साइमल्टेनियसली आगे बढ़ना जरूरी है। उनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सिर्फ दिमाग आगे बढ़ेगा तो भी गलत है, और सिर्फ दिल आगे बढ़ेगा अंदर से करूँ वो भी गलत है। इसलिए उस पर जो कर रहे हैं उस पर कंट्रोल। इसलिए सत्यदेव दुबे जो चले गए ऊपर, वो बोलते थे हमेशा, जो नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल के टीचर रहे हैं, वो हमेशा हमें बोलते थे, हमारे भी टीचर रहे हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि जो भी आप कर रहे हो ना, एक सुर नीचे करो, एक सुर नीचे करो। इतना सा कॉन्शियस होना ही बहुत है। तो मान लो चिल्लाना हो रहा है, एक सुर नीचे कर दो। इमोशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक सुर नीचे कर दो। तो आप कंट्रोल भी कर रहे हो, उस पर पहुंच भी रहे हो। वो कंट्रोल जो है ना, वही अच्छी एक्टिंग का एक वो तरीका है। हम कुछ करते थे तो बोलते एक्टिंग मत करो रे, बट फिर नहीं करते थे, कम करते, अरे कुछ एक्टिंग तो करो। अब ये क्या है कि कुछ एक्टिंग तो करो, और कुछ करने लगे तो बोले एक्टिंग मत करो। मतलब करो लेकिन एक्टिंग मत करो। एक्टिंग तो करनी है लेकिन एक्टिंग मत करो, मतलब नकली मत करो। नकली लगना नहीं चाहिए, वो असली लगना चाहिए। तो ये उनका एक मादा। जब हमारे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टीचरों ने दी हैं, लेकिन कुछ एक्टिंग टीचरों के जो बातें हैं वो बवाल है, मतलब कमाल है। जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम एक क्या बोलते हैं उसको, संजीवनी की तरह काम करता है वो हमेशा। सर मुंबई में मैंने ज़्यादातर देखा है कि बड़ी ऑडिशंस की लाइन रहती है, हमेशा रिजेक्शन का एक संगीत सा गाया जाता रहता है। पर एक्टिंग स्कूल जो होते हैं क्रैश कोर्स कराते हैं, अभिनय भी एक अच्छी तरीके से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह है, उसे समझने के लिए समय चाहिए। बट वहाँ पर इवन जो सेट पे भी हैं उन्हें सबटेक्स्ट और लेयर के बारे में मालूम नहीं। टीवी सीरियल्स की बात कर रहा हूँ मैं, मूवीज़ का इतना नहीं बता सकता, बट मेरे मूवी में भी 90% ऐसे ही लोग हैं। तो आप थोड़ा बता सकते हैं सर, सबटेक्स्ट और लेयर का जानना कितना ज़रूरी, शब्दों के पीछे की कहानी भाव और कितनी ज़रूरत है उस इमोशन की, वो आप कैसे मापते हैं? नहीं देखो, आजकल की जनरेशन जो है और आजकल की दुनिया जितनी फास्ट हो चुकी है ना, आजकल के बच्चे भी सब कुछ जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ, हमने 3 साल तक एक ढंग का काम नहीं किया था, हमने क्या नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, अच्छा नहीं है। यहाँ तीन हफ्ते में लोग बॉम्बे आके बोलते हैं, यार 3 हफ्ते हो गए मुझे आए हुए, काम नहीं मिला। महंगा है ना, मतलब मैंने कहा भाई भाई तुम क्या चाहते हो? तो लोगों के अंदर वो ठहराव, वो सहजता, वो एक पेशेंस खत्म हो गई आजकल। सबको जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, इसीलिए वीडियो भी छोटे छोटे चाहिए,
ये जो इंस्टाग्राम पे रील आ गई हैं या जो बनती हैं वो अच्छे लगते हैं, वो लगे रहते हैं लोग एक के बाद एक, क्योंकि छोटे छोटे हैं। अब उनको बता दो डेढ़ घंटे की फिल्म आ रही है यार, कौन देखे, चाहे कितनी भी अच्छी हो। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के ठहराव वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं। नहीं, मैं सारी दुनिया छोड़ करके सब कुछ भूल भाल के ईयरफोन लगा के अगर मोबाइल है तो बस ये डेढ़ घंटे में कुछ नहीं सोचूंगा, इसको देखूंगा। ऐसे कम, बहुत कम लोग हैं। तो और जिस तरीके से सब टेक्स्ट की बात की आपने जी। और दूसरा क्या लेयर्स की, ये हर इंसान की हर करेक्टर के अंदर मेरे हिसाब से एक साइलेंट स्क्रिप्ट होनी चाहिए जी। एक तो जो लोग दिखावा करते हैं ना, ये ऑडिशंस में दिखावा मतलब देखो मैं कितना अच्छा एक्टर हूं, बस वहीं मार खा जाते हैं। ये देखो जी मैं सर कैसे हैं, सर चापलूसी करते हैं, वहीं मार खा जाते हैं। अगर जो सही जेन्युइन डायरेक्टर होगा वो इन चीजों को कभी भाव नहीं देता। मेरे सर्कल में हरियाणा में और इतने लोग हैं आसपास, ये बैठे हैं मेरे राइटर राजू मान जी, रामपाल बलहरा जी, हरीश कटारिया जी, ये सब बैठे हैं मेरी फिल्म के आसपास जुड़े हुए, लेकिन मैंने कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि यशपाल इसको लेना ही है। क्यों? इनको मालूम था कि ये ऐसे नहीं लेगा, इनको लगेगा तभी लेगा। इसीलिए सबके ऑडिशन हुए, सबकी सबको परफॉर्मेंस देख करके उसी हिसाब से कास्टिंग हुए। इसीलिए आई रिस्पेक्ट देम ऑल्सो, बिकॉज मेरी टीम जो है वो मेरे पे भरोसा करती है और उनको मालूम है कि मुझे किस तरीके की कास्टिंग चाहिए। कास्टिंग जो है वो आधा काम खत्म कर देती है आपका, आधा काम। अगर कास्टिंग अच्छी है तो आधी फिल्म आपकी बन गई समझो, आधा काम हो गया, चाहे नाटक हो। गलत कास्टिंग बेड़ा गर्क कर सकती है आप अच्छी भली कहानी का। बहुत बहुत ये वो है। तो ये जो लेयर्स है वो साइलेंट स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ जी। वो साइलेंट स्क्रिप्ट जिस जो बहुत जल्दबाजी में है और छलांगे मार के चढ़ना चाहता है, पेशेंस नहीं है, उसकी समझ में नहीं आएंगी ये लेयर्स। समझाएंगे लेयर्स, प्याज की परतें जो है, एक एक प्याज की परत खुलती है और फिल्म का या कहानी की, कहानी का मर्म खुलता है, कहानी का क्या है उसके अंदर वो खुलता है, हमें समझ में आता है, वही बेस्ट होता है। हमको जो समझना है किसी करेक्टर के बारे में, एक तो सबसे पहले जब स्क्रिप्ट मिलती है कभी भी ऊंचा मत पढ़ो और एक्टिंग मत करो, चिल्लाओ मत, उसमें भाव मत लाओ। किसी के किसी को भी, फिल्म हो चाहे नाटक हो, कोई स्क्रिप्ट मिलती है, न्यूट्रल पढ़ो, बिना उतार चढ़ाव के सिर्फ पढ़ो। धीरे धीरे वो पढ़ते 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 आपके अंदर कहानी जब समाहित होगी तो अपने आप फुल स्टॉप आएगा, कोमा आएगा, उतार चढ़ाव आएंगे, किस सब्जेक्ट किस शब्द पे स्ट्रेस देना है वो आएगा, कौन सा भाव है क्या है वो सब अपने आप आएगा। लेकिन हमारी आदत क्या है, स्क्रिप्ट मिलते ही जैसे फिर कुत्ते कमीने में इतना खून पी, अरे क्या खून पी जाएगा भाई, तू रुक तो जाए एक बार, शांति तो रख, देख ले सामने वाला पी जाए शायद तेरा भरोसा तो देख। तो कहानी से समझो पहले। तो ये जो साइलेंट स्क्रिप्ट है और ये जो लेयर्स हैं करेक्टर की, वो समझना बहुत जरूरी है। और वो ऐसे नहीं आएंगी, बड़े बड़े चीजें सोच के नहीं आएंगी, वो छोटी छोटी चीजें करके आएंगी। आप चलते कैसे हैं, आप खाना क्या खाते हैं, वो आदमी कपड़े कैसे पहनता है, आपकी चप्पल देख करके शायद आपके करेक्टर का अंदाजा लग जाए कैसी चप्पल होगी। अगर सत्या फिल्म में मनोज वाजपेयी ने वैसी शर्ट पहनी है तो उसका करेक्टर क्या है, बिल्कुल मेल खाता है कि नहीं, या उसकी दाढ़ी कैसी है, दिखता कैसा है, उसके उसके हाव भाव कैसे हैं, कौन सा बदन का हिस्सा आगे है, नाक आगे है तो वो बहुत सूंघता है क्या, माथा आगे है बहुत सोचता है क्या, पेट आगे है बहुत खाता है क्या, छाती आगे है बहुत वॉरियर बनता है क्या, क्या है उसके बॉडी के भी लैंग्वेज है ना, उसके हाव भाव कैसे हैं, चलना फिरना उठना बैठना किस तरीके का है। जैसे मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल किया था आइंस्टाइन नाटक में, मोहन महर्षि द्वारा जो हुआ था, तो उसमें मैंने उनकी काफ़ी फिल्में देखी थी ब्लैक एंड वाइट, जो आइंस्टाइन की एक्चुअल आइंस्टाइन की मैक्स मूलर भवन है दिल्ली में, वहाँ जाकर जर्मन लैंग्वेज की, तो उसके हाव भाव, उसके कपड़े, उसके वो सब एज इट इज़, उसके बाल भी मैंने वैसे कर ली करके बनवाए, उस तरीके से काम किया, उसके उठने बैठने के वो जो थे बॉडी लैंग्वेज वो पकड़ी। तो बहुत काम इस तरीके से करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा चैलेंज कब होता है, जब आपके पास डायलॉग नहीं है उस वक्त आप क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को, नए लड़कों को, वो क्या करते हैं, खड़े हैं ना, तो खड़े हाथ कहाँ रखें,
या तो जेब में डाल लेंगे या ऐसे कर लेंगे या ऐसे इजी तरीके हैं। लेकिन अगर वो ऐसे भी हैं तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों? अगर आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व है तो हाथ कैसे पता भी नहीं चलेगा आपको, वो अपने आप होगा, चाहे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्या होगा पता नहीं, ये कैसे होगा, कैसे होगा पता नहीं, वो अपने आप हाथ काम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले क्योंकि बौद्ध बदन में कुछ है ही नहीं आग, तो हाथ कहाँ रखूँ, अच्छा जेब में डाल लेता हूँ, अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, महाराजा के सामने खड़ा हूँ तो ऐसे कर लेता हूँ। तो इस तरीके के थोड़े से इजी तरीके हैं, इन इजी तरीकों से बचना बहुत ज़रूरी है। आसान तरीके बहुत आपके आपको इजी वे जो हैं, आसान तरीके जो आपकी एक्टिंग को बहुत ख़राब करते हैं, बहुत ख़राब करते हैं, और उनसे बचना चाहिए। कठिन रास्ते, रसगुल्ला तो है नहीं भाई, उठाया और खा लिया, एक्टिंग तो थोड़ी सी तो मेहनत मांगता ही है। हाँ, हर यूथ को यही लगती है कि रसगुल्ला ही है। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि ये कर सकता है तो ये तो मैं भी कर लूँगा, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके अंदर की भावनाएं, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो उसकी डेप्थ क्या है, वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो सर उनकी भी गलती क्या है, सपने देखना सबका हक है, पर सिखा नहीं पा रहे शायद, एजुकेशन नहीं स्कूल से, सिखा भी नहीं पा रहे शायद, सीख भी नहीं पा रहे। नहीं, मेरे ख्याल से हमने मैंने जितने एक्टिंग स्कूल्स देखे हैं उसमें सब टेक्स्ट लेयर को सिर्फ एक नाम दे के ख़त्म कर दिया जाता है। नहीं, जहाँ पर सही टीचर होता है और वो आराम से काम कर रहा होता है, वो स्टूडेंट सीख ही नहीं रहे होते, मैंने देखा है। सुपवा में मैंने भी क्लास ली है, मैंने भी महसूस किया इस बात को जी। उनको कुछ सेंसेशनल हो, कुछ कुछ भभकता हुआ, जलता हुआ अंगारा, कुछ ऐसा। अरे भाई, दुनिया के किसी भी एक्टिंग स्कूल में चले जाओ, आपकी शुरुआत वहीं से होती है कि सुबह उठते ही आप क्या करते हैं बताइए, वो एक्सरसाइज, सोने के बाद उठे आप, आपका एक दिन शुरू हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे, सिराने के नीचे हाथ जाएगा, मोबाइल जाएगा, अब आँख खुलते क्या टाइम हुआ है, क्या मैसेज आए, ये वो देखेंगे, या क्या करेंगे, या आप आँख बंद करके योग करेंगे, या आप बाथरूम जाके मुँह हाथ धोएंगे, या चाय पियेंगे, या क्या करेंगे, सिगरेट पियेंगे, क्या क्या है आपका रूटीन, क्या है? आजकल वालों का तो सिगरेट है। मैं कह रहा हूँ कि ये इन चीज़ों की जो खोज है, स्वयं की खोज, आपके हाव भाव, आपकी पसंद नापसंद, कपड़े, ये खाना पीना, ये सबसे पहले जानना ही एक्टिंग की शुरुआत है, अच्छी एक्टिंग की, चाहे वो स्टानिस्लावस्की हो, चाहे वो बर्टोल्ट ब्रेख्त हो, चाहे वो ग्रोटेस्की हो, चाहे वो हेनरिक इब्सन हो, चाहे वो अंतोन चेखव हो, चाहे मैक्सिम गोर्की हो, चाहे दुनिया का कोई भी राइटर डायरेक्टर या कोई भी रहे हों, उनका सबका शुरुआत यहीं से होता। सर थिएटर जो है ना, अपना पृथ्वी थिएटर है मुंबई में, उधर भी एक ही चीज़ की लाइन है कि काम मिल जाए, कनेक्शंस जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहने लगी है, पार्टी जाना, बॉडी बनाना, ड्रग्स लेना, नहीं तो स्टेरॉइड्स लेना, और कनेक्शन, ये बहुत मोटी परत है जो कि आउटसाइडर को सबसे पहले घेरती है बॉम्बे के अंदर। आप तो अब चलो समझदार हो गए, आप तो इस चीज़ को जानते हो भली भांति, जो एक युवा एज होती है ना उसमें ये सब समझ नहीं आता है। उसका नहीं, वो आपके ऊपर है। बहुत आसान है दूसरों पे ढाल देना अपनी गलतियों को, या दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। कौन सी दुनिया है जो परफेक्ट है, बताओ मुझे आज? डॉक्टरी दुनिया परफेक्ट है क्या? नहीं, मैंने देखे हालात हॉस्पिटलों में जाकर के। क्या जो कोर्ट है, वकीलों की दुनिया है, क्या वो साफ है क्या? क्या कौन सी दुनिया साफ है? स्कूल कॉलेज हैं पढ़ाई की, एजुकेशन के मामले, क्या वो साफ सुथरे हैं, परफेक्ट हैं? नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो एक जगह भी है कि अगर कुछ है तो वहां भी आपको अपना रास्ता ढूंढना है, आपको अपना रास्ता ढूंढना है और उस रास्ते को तलाश करना है। और आप, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती या कोई भी आपको इफेक्ट नहीं डाल सकता, अगर आपका राह क्लियर है तो, कि मुझे क्या करना है। अगर ये क्लियरिटी है, अर्जुन की तरह अगर निशाना बिल्कुल सही जगह पे है, आंख पे है चिड़िया की या मछली की जी, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। कोई ड्रग्स पीता हो, चाहे वो कितनी पार्शलिटी कर रहा हो, कितना भी भ्रष्टाचार हो, कितनी भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज की दुनिया में तो खासकर मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जिसके पास टैलेंट है और जिसके पास पैशन है, आग है अंदर, वो रुक नहीं सकता, कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो आएगा ही आगे। कोई टाइम पीरियड है सर कि इतने साल की सक्सेस मिल जानी चाहिए या वापस नहीं चले जाना चाहिए? शायद रास्ता सही ना हो, किसी का सही जगह पे शायद नहीं कर रहा हो काम। आजकल तो 2 मिनट की फिल्म बनाओ, यूट्यूब में डालो,
अगर अच्छी फिल्म है तो मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। राजकुमार हिरानी, मुन्ना भाई MBBS के डायरेक्टर और मैं, हम दोनों एक जज थे एक नागपुर में, क्योंकि वो नागपुर से हैं। तो नागपुर में एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, उस यूनिवर्सिटी में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था। उस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में 250-300 फिल्में आई शॉर्ट पूरे वर्ल्ड से। उसमें से 15 फिल्में छांट करके लास्ट फाइनल हमको भेजी गई, राजकुमार हिरानी को और मुझे। और हम वहां गए रिजल्ट अनाउंस करने और अवार्ड फंक्शन में, सिर्फ 59 सेकंड की फिल्म थी, 59 सेकंड की फिल्म थी और जीरो बजट थी, मोबाइल से बनी थी और वन शॉट थी। क्या थी वो फिल्म? क्यों? आइडिया स्ट्रॉन्ग था, पैशन था। एक फोटो एग्जीबिशन लगी है, फोटोज लगी हैं, एक फोटो पे कैमरा है पहली पे और उस पर ब्लैक है पूरा फोटो, नीचे लिखा है ताजमहल, ऐसे कैमरा पैन होता है, दूसरे फोटो पे रुका, ब्लैक है, नीचे लिखा है कुतुब मीनार, पैन होता है, ब्लैक है, नीचे लिखा है चाइनाज वॉल, आगे ऐसे एफिल टावर, ऐसे ही ये लाल किला, ऐसे लिखे हैं, ब्लैक हैं। आखिर में एक जगह कैमरा रुकता है, उस पर लिखा है दे नीड्स आइज और रक्तदान करें, नेत्रदान करें, सॉरी। यहां लगा जाकर के हिला के रख दिया, यार क्या बात है, क्या आइडिया है। अब इसमें कितना टाइम लगा होगा उसको, इसका कोई आइडिया वो नहीं है। आपने सही जगह पे पिच किया है, सही जगह पे आपका काम जा रहा है और टैलेंट है और अच्छा काम है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। और ये बात मैं स्वयं भोगी हूं और दादा लक्ष्मी फिल्म के अंदर जितने लोगों ने भी काम किया दे वो उसके भागीदार हैं। क्योंकि कोई बंदा 5 करोड़ दे रहा है कि मेरे बेटे को ले लो मेन रोल में, मैं खर्चा करूंगा पूरी फिल्म का, वो उसका कास्टिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 करोड़ नहीं चाहिए। उसका कास्टिंग हो रहा है जिसका बाप हैंडीकैप्ड है, छोटी सी दुकान करता है और वो बच्चा मेन रोल करता है मेरी फिल्म के अंदर। ये होती है भाग्य या एक सही जगह पे सही चीज का आना, मिल जाना। जो भी है उसका टैलेंट भी तो है ना जी, टैलेंट नहीं होता तो थोड़ी ना कोई आता, चाहे कितना भी होता। लेकिन इसमें ना अमीरी देखी गई, ना गरीबी देखी गई, ना पैसा देखा गया, ना वो देखा गया, ना सुंदरता देखी गई, ना कुछ देखा गया, ना कपड़े देखे गए, कुछ भी नहीं देखा, ना चापलूसी देखी गई, ना कुछ देखा गया। इसमें देखा गया कि मेरी फिल्म के लिए कौन बेस्ट है, वही बेस्ट हम लोगों ने चुने हर रोल के अंदर, जो करेक्टर स्केच के हिसाब से बैठे। तो इसीलिए मैं इन चीजों में बिलीव करता हूं और आपकी सारी बातें सच होंगी। हर आदमी ये सोचता है कि आई एम द बेस्ट, वहीं आके मार खा जाता है जहां वो सोचता है ना आई एम द बेस्ट, मेरे से बढ़िया कोई नहीं, मैं सबसे अच्छा लिखता हूं, मैं सबसे अच्छा डायरेक्ट करता हूं, मैं सबसे अच्छा एक्ट करता हूं, मैं सबसे अच्छा ये यही आकर के बस खत्म हो जाता है इंसान। और उसको और दूसरे का, किसी का अच्छा है उसको अप्रिशिएट ना करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई अच्छा काम, आज रवि मोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैंने उनके पूरे नाटकों की लिस्ट पढ़ी है, पूरे रास्ते में 2 घंटे यही देखता आया, उनके पिछले सालों के नाटक देखता आया, इतने सही सही लोगों को, सतीश आनंद जी को, इतने ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने सम्मान दिया है, ऐसे ऐसे नाटक किए, हरिशंकर परसाई के, अंतुन चेखव के और गिरीश कर्नाड के और जयशंकर प्रसाद के, पता नहीं किस किस के, और लोक कला के भी उसमें सांग भी करवाए, ये भी करवाए, इतने अच्छे अच्छे नाटकों के फेस्टिवल, इतने अच्छे लोगों को सम्मानित करना, इतना बढ़िया करना। जो अच्छा काम कर रहा है वो आज नहीं तो कल सामने आता ही है, बिल्कुल, वो कहीं नहीं रुकता है। तो ऐसे ही नहीं, इतना बढ़िया ब्रोशर बन गया, हमारे टाइम पे तो एक पेज का बस इतना होता था, ये नाटक इतने बजे, बाल भवन हिसार आ जाओ इतने बजे जी, और कोई पुंजड़ नहीं आता था क्या करें, ना कोई स्पॉन्सरशिप, 1100 रुपए दे दो जी, चीफ गेस्ट बन जाओ जी, ऐसे तो आते थे लोग। तो टाइम बदल गया भाई अभी, तो इसलिए टाइम तो बदल गया, के साथ चलना भी जरूरी है जी। सर पंडित लक्ष्मी चंद जी की बात करते हैं, पुराना टाइम जो अपने टाइम में जो वो बोल गए वो सब हो रहा है, उनको हमेशा एक एज अ कलाकार तो देखा ही गया, साथ साथ एक आध्यात्मिक इंसान भी देखा गया कि भाई बड़ा विजन था उनका कि आगे ये होना है। तो आपने कितना जाना उनको और आपने क्या फॉलो किया या सिर्फ एज अ उन्हें करेक्टर ही पढ़ा? नहीं, मैंने 19-20 किताबें पढ़ी हैं, 5 साल जीने की कोशिश की है, मतलब उसी में ही खाते पीते उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे उसी बारे में जिया हूँ।
और फिर भी मैं शायद 3-4% पकड़ पाया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश की है। और अभी तो पार्ट टू में है मेरा रोल, तो अगर जहाँ तक रोल की बात है तो मैं डायरेक्शन की ज़्यादा बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि और रोल तो मेरा था ही नहीं, इसमें है ही नहीं। ठीक है सर। शुरुआत के 15-20 मिनट हैं, 2 गाने 1 सीन है बस, यही है बिगिनिंग में मेरा। फिर पूरा बच्चे के ऊपर है और एक यंग लड़के के ऊपर है पूरी फिल्म। ठीक है। 2.5 घंटे में से 15 मिनट मेरे हैं, और अभी पार्ट टू जब बनेगा तब मेरा मतलब मेन जाएगा, तकरीबन 70% मैं होऊंगा उसमें। जी, जो लक्ष्मीचंद जी ऐसे करेक्टर जो पीरियड के महान लोग हैं, जो मेरे ख्याल से आध्यात्मिकता के जो पराकाष्ठा जिसको कहेंगे, ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिया है और जिन्होंने किया है, जिन्होंने गाया है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने लिखवाया है, या पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो उस तरीके का जो उस करेक्टर को निभाना कोई छोटी बात नहीं है। उनको जीना अभी भी, जब मैं पार्ट टू करूंगा तो कम से कम मुझे 3 महीने मैं उस करेक्टर के अंदर जीऊंगा, दोबारा से रिकलेक्ट करूंगा अपने आप को जो था, अभी मैं निकल चुका हूं उससे, लेकिन उससे निकलने में भी मुझे तकरीबन 4-5 महीने लग गए थे, वो सब जो अंदर था निकालने, मैंने दूर किया, मैंने निकाला, मैंने कहा यार अभी मैं कुछ और भी तो करना है लाइफ में, तो मैंने बहुत सारे, क्योंकि इतने सारे रोल मैंने मना किए, इतने सारी फिल्में मना की, वेब सीरीज मना की, वेब सीरीज, तो अब मैंने कहा धीरे धीरे आ जाऊँ वापस भाई, किसी को पुंजड़ फर्क नहीं पड़ेगा, हरियाणा में कितना ये छोड़ दिया या वो छोड़ दिया, या ये नुकसान कराया वो नुकसान कराया, ये घर बेचा, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, उनको आँख किया क्या है दिखाओ, और उसमें से पहले कमी ढूंढने आएंगे। अच्छा ये कर रहे, ठीक है भाई, कमी नहीं है, हाँ अच्छा कर रहा भाई, बढ़िया, बस इतने ही तक है भाई, तो अच्छी बात नहीं है। हरियाणा में कम से कम देख तो लेते, बॉम्बे में तो इसे मतलब ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बॉम्बे को तुम बिना बॉम्बे जाए, बिना एक्सपीरियंस किए क्यों बॉम्बे की ऐसी तैसी करने पर लगे हो भाई? नहीं, तुमने पहले भी पृथ्वी थिएटर की बात की, तब भी तुमने ऐसी बात की। अरे वहां भी बहुत अच्छे इंसान, बहुत दुनिया रहती है हमारे अपने जैसे ही, उनकी भी यही शिकायतें हैं शायद जो तुम्हारी। बिल्कुल, तो इसीलिए कभी भी दूसरे की तरफ से होके भी सोचना चाहिए जी, कि एक मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा करती है, तो वो मछली गंदी हुई ना बेचारे, बाकी तालाब वालों का क्या कसूर है? तो कुछ लोग होंगे, हर जगह होते ही है। हालांकि जो साहित्यिक लोग हैं, जैसे तुम चाह रहे हो थिएटर के या उस तरीके के लोग, तो 5% ही होंगे, 10% होंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कोई भी डायरेक्टर अच्छे से रिहर्सल करना स्क्रिप्ट पे, कास्टिंग पे, वो नहीं है आजकल, बहुत कम है। मैंने अभी एक वेब सीरीज की, बवाल डायरेक्टर, नया लड़का है सुमित सक्सेना। एक मैंने एक फिल्म की छिपकली, वो कौशिक कर डायरेक्टर है, कमाल का डायरेक्टर है, इतनी इतनी गहराई, इतनी डेप्थ, इतनी डिटेल करेक्टर को लेकर के, हर चीज को लेकर के, हर मुद्दे को लेकर के। ये लोग हैं जो कल के जो बड़े, मतलब जिनको मैं सत्यजीत रे बोल सकता हूँ, अच्छा। सुभाष घई या कमर्शियल में देखा जाए तो सत्यजीत रे बोल सकता हूँ, जिनको मैं श्याम बेनेगल बोल सकता हूँ, जिनको मैं ये बड़े बड़े प्रकाश झा बोल सकता हूँ, कल के उनसे भी आगे हैं 10 कदम, सच बताऊं तो। ये ऐसे लोग हैं जो 2 नाम मैंने लिए, उसके अलावा मैंने जितने भी काम, अभी भी मैं कुछ काम करके मैं नाम नहीं लूंगा, मजा नहीं आता, हर किसी काम में मजा नहीं आता, हर का लोग ऐसे हैं नहीं, आप उतने बुद्धिजीवी या उतने समझदार या उतने सब मिलेंगे है नहीं, आपने कर दिया बोलो अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत, किसी को ये नहीं कह नहीं सर थोड़ा सा वो अगर अच्छा मिल जाए, कोई नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है जो हमको स्टार ना माने और बिल्कुल करेक्टर की तरह समझाएं कि ये करेक्टर की डिमांड ये है। अच्छा सर, करेक्टर की डिमांड तो ठीक है, थिएटर जो हमारे जो ठीक है, क्यों इतने कैजुअली क्यों ले रहा है सर? मैंने अच्छे से लिया, करेक्टर की डिमांड तो ठीक है, पहले आप ये बताओ। मैं कहा वो अब ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा हाँ बोलो बोलो। वॉइस प्रैक्टिस सर, वॉइस का बड़ा है, क्योंकि आजकल हम बोलते कम है, आजकल फोन पे ज्यादा है, तो मैं डिजिटली पे फिर से आऊंगा, क्योंकि हमारा संवाद नहीं है आपस में, जो पहले उठना बोलना ऑब्जर्वेशन भी नहीं रही है, तो वॉइस प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए आपके नजरिए से, वो और आज कंपेयर टू आज की जनरेशन कितना करती है? देखो
हमारा जो पेन कॉपी था वो भी खत्म हो गया तकरीबन जी, वो सारा मोबाइल में टाइप करने में रह गया। और बातचीत का भी जो आपस में एक कम्युनिकेशन था वो भी खत्म हो गया, वो भी व्हाट्सएप में हो गया। कई बार तो हैरानी होती है, हम यहाँ आपस में बैठे होते हैं और व्हाट्सएप कर रहे होते हैं दूसरे को, या दूसरे कमरे में यार आ जाओ, मतलब ऐसा कर रहे होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। वो हो क्या रहा है कि हमारा एक तो फिजिकल मूवमेंट कम हो गए ऑब्वियसली, उठ के कमरे में जाओ भाई बुला के लाओ तो यहीं से बोल दे आ जा भाई, तो ये कम। एक वार्तालाप जिस तरीके के होने चाहिए वो होते नहीं है अभी, और सही मुद्दे पे नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, मुद्दे भटकते हैं। आप होली की बात करो, दिवाली के पटाखे आ जाएंगे एकदम बिना सिर पैर की। मैं कह रहा हूं कोई एक मुद्दा या कभी भी कुछ बात होती थी, जैसे कोई डिस्कशन चली है तो कोई बड़े कमाल के एग्जाम्पल हैं। एक हॉलीवुड की कौन सी इंडस्ट्री है, वो कौन सा कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो वुड क्या, जो बच्चों का वो जो एक वो है ना, उसमें कौन सी कंपनी है वो बहुत बड़ी, छह नाम याद आ जाएगा। वो भी दो लोगों की शुरुआत की हुई है, दो लोगों के विचार मिले, उनकी क्रिएटिविटी शुरू हुई। पूरे वर्ल्ड का जो रियलिस्टिक थिएटर है उसकी जो बेस है वो हेनरिक इब्सन के नाटक, चाहे डॉल्स हाउस हो, चाहे वो एनिमी ऑफ द पीपल हो, या उस तरीके के ना, या एंटोन चेखव, मैक्सिम गोर्की एंड स्टानिस्लावस की, और उसके आसपास जो थे पुश्किन, ये फ्योदर दोस्तोवस्की, ये लोग आप देखो, इन तीन चार लोगों की, एंटोन चेखव, मैक्सिम गोर्की एंड स्टानिस्लावस की, इनका ग्रुप था। इन तीन लोगों ने मिल करके पूरी दुनिया का थिएटर चेंज कर दिया। एक नई परिभाषा लिखी गई एक्टिंग की, नए तरीके के नाटक लिखे गए। अच्छा स्टानिस्लावस्की रोल कर रहा है, ये रोल लिखो जी, तो चेखव ने लिखे ना, बिल्कुल, मैक्सिम गोर्की ने भी लिखे, लोअर डेप्थ लिखे। भाई चाय कहाँ है? वो रिसर्च अच्छा है भाई, ये ले जा भाई, ये ड्राइव, इतने अच्छी अच्छी चीजें मत खिलाया करो यार। नहीं नहीं खाली पेट चाय नहीं पीते सर, एक नहीं तो ले लो, ला दे बिस्कुट दे। चल ठीक है, भाई ने कहे नहीं तो बाद में गुस्सा हो गया, गैस बन जाती है ना। नहीं भाई बेटा नहीं, वो ये तो बड़े बड़े लोगों की बात थी। ऐसे तो सर बहुत चाय पी होगी बॉम्बे में भी, कटिंग ना, बारिश के मौसम में। बॉम्बे की क्या याद है सर, पहले अंदर घुसने से पहले की? अंदर तो अब तक नहीं घुसे हम। नहीं घुस गए सर, और कितना जाओगे? नहीं, एक वो होता है ना अंदर घुसना, जैसे लॉबी जी, प्रकाश झा लॉबी, श्याम बेनेगल लॉबी, सुभाष गई लॉबी, करण जौहर लॉबी, इन लॉबियों में मैं कभी नहीं पढ़ा। नहीं उन लॉबी की नहीं, काम मैं क्या वाली लॉबी। मैंने कहा हर किसी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, एक लॉबी में घुस के मुझे नहीं करना है। सिर्फ प्रकाश झा की फिल्में करे जाऊँ बाकी दुनिया से नहीं, श्याम बेनेगल की फिल्में करे जाऊँ बाकी नहीं, सबके साथ काम करना है हर तरीके से। नए डायरेक्टर के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मजा है, नई सोच लेके आते हैं। आज राजकुमार संतोषी, सुभाष घई की वो सोच नहीं है जो मैं अभी छिपकली फिल्म के डायरेक्टर की सोच है। जो क्या लड़का है वो, 27-28 साल का, लेकिन दिमाग क्या आइंस्टाइन के टाइप है साला, साहित्य में जी इतना पढ़ा लिखा, इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई, इतना ज्ञान भंडार, आज के हर को सोचने वाला, साफ पता चल जाता था कि नहीं नहीं सर ये गलत है, नहीं नहीं सर नो क्यों, ही इज क्लियर। जहां क्लैरिटी होती है ना वो वहां लगता है ऐसा, लोगों को पकड़ में आ जाती चीजें कहां गलत है। जैसे के आसिफ के बारे में सुना है, मुगले आजम डायरेक्ट की, उनके बारे में मैंने सुना है कि पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, 9वीं-10वीं थे शायद, लेकिन बीड़ी बीड़ी पीते थे, पतले से घूमते रहते थे, इधर म्यूजिक वाले डायरेक्टर बैठे हैं सब, लेकिन उनको सुर कहां गलत है, डायलॉग ठीक नहीं है, ये कुछ गलती है, गाना कहां गलत है, सब पता चलता था। ठीक, तो ये जो समझ, जैसे मैं
भगवान की दया से उत्तम सिंह जी के साथ में काम कर रहा था, हम सब साथ में ही थे, रामपाल जी, राजू मान जी सब हम, मुझे भी म्यूजिक करते हुए मैं 69 डेज तकरीबन 70 डेज में साथ रहा हूँ जी थ्रू आउट, में कहीं भी एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। जब म्यूजिक हुआ तो मेरे को भी ना कहीं जो नहीं सर ये मेरी फिल्म के साथ ये जा नहीं रहा, ये कहीं गलती है सर, यहाँ पे ये सही मीटर नहीं बैठ रहा या कुछ पता चल जाता। तो अगर हम सही अंदर क्लैरिटी है ना तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं। सर मैं फिर वापस आ रहा हूँ कि वो जो आपने लॉबी आप जहाँ गए ना, हाँ, उससे पहले एक और लॉबी है, काम मिल जाने की लॉबी, पहला ब्रेक, उससे पहले की लाइफ पे अगर आए तो वो एक लर्निंग पीरियड बोल लो, प्रैक्टिसिंग कह लो और स्ट्रगलिंग बोल लो। उसमें मैंने ये सीखा कि क्या नहीं करना है। अच्छा, ये डेली सोप नहीं करने हैं ये जो एक्टिंग की दुकानें चल रही हैं फटफट फटफट डायलॉग याद करके बोल दिया, ओके ये नहीं करना है, खूब सारे डायरेक्टरों के पास जाके पैर पकड़ना, उनके अधीन करना, ये नहीं करना। हाँ बिल्कुल ठीक है। दिखावा करना और अपने आप को मैं NSD से हूँ सर मुझे लो, कभी नहीं किया मैंने। अपनी डिग्री का गर्व है मुझे लेकिन घमंड नहीं है, क्योंकि बिना डिग्री के भी बहुत 30 मार्क हैं, बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर दुनिया के अंदर लोग हैं, एक्टर हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ट्रेनिंग ली है तभी आप ग्रेट हैं। तो इसीलिए वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी। नाना पाटेकर को क्या बोलेंगे सर, उन्हें तो क्या बोला जाए, लेजेंड है। तो इसी तरीके से बॉम्बे के अंदर घूमता रहा मैं, एक बोला भाई कौन थे, राकेश चौधरी, जिनकी चुनौती सीरियल भी था और भी था दो तीन, एक सुबह सुबह नहीं कुछ नशे के ऊपर था शायद, कुछ दो बहुत फेमस रहे हैं उनके, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, फुटबॉल के ऊपर कुछ सीरियल था उनका, फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, और तो मुझे बोले भाई आपका 2 दिन का काम है, 3,000 रुपये मिलेंगे। मैंने बोला जी क्या है 2 दिन का काम, पुजारी का रोल है। मैंने कहा पुजारी, मैंने कहा हाँ बस वो धोती कुर्ता पहन के कपड़ा था, और हमारे हीरो हीरोइन आएंगे उनको तिलक लगाना है और आशीर्वाद देना है, एक दो डायलॉग हैं, 2 दिन लगेंगे, 3-4 सीन हैं, 4-5 एपिसोड। तो मैंने कहा तो पुजारी का रोल मेन रोल है क्या? बोले नहीं नहीं मेन रोल तो हीरो हीरोइन है। तो मैंने कहा मेरा 2 दिन का काम है, फिर उसके बाद अभी तो नहीं है, कब आएगा? जब हीरो हीरोइन मंदिर आएंगे तभी आपका रोल आएगा। मैंने कहा नहीं आए तो मुझे नहीं करना ये रोल भाई। मैंने बहुत मना किए, मैं भूखा मर रहा था लेकिन मैंने रोल मना किए। मुझे याद है सुधीर मिश्रा की एक फर्ज करके डेली सोप था DD1 पे, और मेन रोल था मेरा, मैंने मना कर दिया। मेरे पास खाने को पैसा नहीं था, 50 रुपये भी नहीं थे, और मैं कम से कम 70,000 रुपये पर मंथ का काम मना करके आया था उस वक्त, आजकल मतलब 4 लाख समझ लो उसको, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 97 की। मना किया मैंने, मैंने कहा नहीं सर आपके साथ, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एज ए डायरेक्टर, मैं फिल्म करूँगा आपके साथ, ये नहीं करूँगा। बोला अभी कितना कमा रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। बोला कर लो यार। मैंने बोला सर अभी नहीं करूँगा, अभी आपका काम किया पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो कमरा एक घर ले लूँगा थोड़े एक दो साल में, डेली सोप है चलता रहेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कहानी घर घर की टाइप, और मैं क्या करूँगा, मैं घर ले लूँगा गाड़ी ले लूँगा और फिर सोचूंगा कि भाड़ में गई दुनिया अब क्या चाहिए, मैं बैठ जाऊँगा ना कोई काम कर पाऊँगा ना कुछ कहीं जी पाऊँगा ना कोई पैशन, जिसके लिए NSD की, जिसके लिए थिएटर किया इतना, जिसके लिए इतनी जान मारी की, जिसके लिए ये फील्ड चुना, वही नहीं कर पाऊँगा तो मैं काहे का फिर क्या फ़ायदा है इसका। वो नहीं कर पाते तो नहीं किया मैंने, कुछ मिल ही नहीं पाता तो मुंबई में। हाँ ब्रेक मिला कहाँ हमें हम कोई यश चोपड़ा के बच्चे हैं जो हमें ब्रेक मिलेगा सर, हमें तो भाई 2 सीन का एक मिला था 1084 की माँ में, वो भी हाँ। बड़ी कैसे गोविंद हिलानी के पास हम गए थे बरसात में भीगते भीगते, और 2.5 रुपए थे साले, एक बड़ा पाव का पैसा था,
बिना टिकट के लोअर परेल तक गए, गोरेगांव ईस्ट से बिना टिकट तक गए, वहाँ रुके, बरसात आ रही थी, साला पैदल गए, टैक्सी का तो पैसा नहीं, वहाँ ऑटो भी नहीं चलता था, वहाँ टैक्सी थी, दादर बांद्रा के बाद टैक्सी चलती है, ऑटो नहीं होता है, पैदल 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 राजकमल स्टूडियो गए, बिल्कुल भीगे हुए, बाथरूम में गए, बाथरूम में जाके पहले अपने कपड़े उतार के निचोड़े ढंग से, फिर झाड़ फाड़ के पहने, फिर अंदर इंटरव्यू देने गए, ऑडिशन देने, गोविंद निलानी कैमरा लेके बैठे। अब मैंने अपने नाटकों की स्पीच याद कर रखी थी, रास्ते, बड़े न खेले छोटे खेल और आइंस्टाइन, तीन स्पीचेस याद थी, उसमें से दो मैंने सुनाई और उनको बड़ी पसंद आई। तो लालटू करके एक 1084 की माँ, 1084 माँ महाश्वेता देवी का नॉवल है बंगाली, जिसमें नंदिता दास, अनुपम खेर, जया बच्चन और जॉय सेन गुप्ता, ये लोग थे, हम भी थे, मेरे NSD के बहुत सारे लोग थे, राजेश तैलंग, हरीश खन्ना, कुमुद मिश्रा जो आजकल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सब लोग, ये सब थे उसमें, अनूप सोनी, रिज्जू बजाज, बहुत सारे लोग थे। तो वो पहली फिल्म थी हमारी, तो जिसमें थोड़े से दो सीन थे बड़े पर्दे पे। उन्होंने श्याम बेनेगल से मिलवाया, उन्होंने फिल्म दे दी समर, नेशनल अवार्ड मिल गया, उसमें फिल्म अच्छा था। वहीं से राम गोपाल वर्मा जी मिल गए थे उनको, फिर राहुल रवेल जी से सुधीर मिश्रा ने मिलवा दिया, इस बंदे ने बोला मेरा डेली सोप छोड़ा था, इसको बुलाओ तो उन्होंने फिर काफ़ी काम दिलवाया। राम गोपाल वर्मा से भी उन्होंने मिलवाया, राहुल रवेल से भी उन्होंने मिलवाया, अपनी खुद की फिल्म दी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर खुद की फिल्म दी उन्होंने चमेली। तो उन्होंने काफ़ी काम में सहयोग किया मेरा, सुधीर मिश्रा ने। तो नवाजुद्दीन सर आपको शुरू से आप फॉलो करते रहे, उनसे मुलाकात कब हुई? नहीं, नवाजुद्दीन तो हमारे साथ ही स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब बैठ के कोने में बीड़ी पीता रहता था ऐसे करके, बस छोटा सा बन करके, नहीं नहीं बस ठीक है कुछ नहीं, अरे पैग पी ले, अरे नहीं नहीं बस ठीक है थोड़ा सा, बस ऐसे। नवाजुद्दीन बड़ा कमाल का है, वो इसके अंदर इतना तूफान भरा पड़ा है, वो पता नहीं था वो वाकई में उसको, वो एक एग्जांपल है हमारे लिए, सब लोगों के लिए, हमारे जनरेशन के जो आसपास के हैं। मेरे से 2 साल जूनियर है राजपाल यादव, 3 साल जूनियर है, ये पूरा एक हमारा एक जितने इस साल का स्वानंद किरकिरे ये लोग, और आशुतोष राणा मेरा क्लासमेट है, मुकेश तिवारी सब हम, कुमुद मिश्रा, तो ये जो ये जन 4-5 साल का जो हुए थे ना, इसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर निकले हैं अभी जी, जो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे। तो नवाजुद्दीन भी उन्हीं दिनों का है, वो उसका एक खास बात थी जो आज आज मतलब सबको सीखनी चाहिए कि उसने खराब रोल नहीं किए। उसकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल सरफरोश, छोटा सा एक रोल है उसका, बस वो आमिर खान उसको धमकाता है, गोली मार के डराता है, तो वो बस वो डर के वो कुछ बोल देता है ना, पुलिस से डर के जी, इस टाइप के। फिर एक छोटा सा रोल मेरे ख्याल से शूल में था उसका, या कहाँ था मुझे याद नहीं आ रहा, तो बैरे का एक रोल था, वेटर, वेटर का, तो हाँ वेटर का, इस तरीके से शुरुआत की। लेकिन जो भी काम किया उसने अपने कॉन्फिडेंस से किया, और शो करने की कोशिश नहीं की कि मैं आई एम ग्रेट एक्टर। इसीलिए अनुराग कश्यप ने उसको सही पहचाना, शूल में ही मिला था, और उसने गैंग्स ऑफ वाशीपुर, उसने पेशेंस दिखाई, देखो गैंग्स ऑफ वाशीपुर में उसको लीड रोल दिया, देन वी एवरीबॉडी नोज के हु इज नवाज। तो सर शूल में मनोज वाजपेयी जी थे, और उसके बाद गैंग्स ऑफ वाशीपुर में, इतने साल में आपने क्या एक अपने आप को देखा, और मनोज वाजपेयी जी को ये क्या, ये भी पढ़ते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? नहीं साल। देखो इनकी नियत बिल्कुल सही है और सही दिशा में है, ये दूसरों के जेलस करने में या दूसरों को नीचे दिखाने में या काटने में नहीं लगे रहते, वो अपना लकीर बड़ा करते रहते हैं, अपने आप बड़े होते जाएंगे, बाकी सब पीछे रह जाएंगे, समझ रहे हो जी, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अब जैसे मैं भी अगर बोलूं तो मैं भी पिछले 7-8 साल से मैं पीछे आ गया, हरियाणा में आ गया जी, कि मतलब नहीं मैं अपना अपने शहर में अपने भाषा में अपने यहाँ कुछ करना चाहिए जी, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था जी, उस तरीके से कि सिर्फ फटाक से एक फिल्म बना के हट गए ऐसा नहीं, मैंने कहा परमानेंट लगना पड़ेगा उसके लिए, एक जिम्मेदारी, मुझे बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको
आपको तभी तो मतलब कुछ चेंज आएगा, नहीं तो कैसे चेंज आएगा। मुझे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं हरियाणा के, उन्होंने मुझे रोका, बोले हरियाणा में कुछ नहीं होगा, हमने बहुत देख लिया। तो सर एक हरियाणा की एक और जिम्मेदारी आ जाएगी आप पे, यहाँ का थोड़ा कल्चर, क्योंकि कल्चर हमारी जो प्रेजेंटेशन है अभी की जो मूवीज की है वो यहाँ पे ना आ जाए वैसी, वो भी तो एक डर है। हरियाणा में अगर पिक्चर बनती है जो पंजाब में बनती है, डबल मीनिंग और वो वल्गैरिटी भी ना है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी यार, या इट्स ओके ओपन है? नहीं नहीं नहीं, ओपन क्यों है वो, उसमें मैं बिल्कुल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारी फिल्म जो है दादा लक्ष्मी, उसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल साबित होगी, जो बिल्कुल जिसके अंदर एक चांटा तक नहीं है वायलेंस के नाम पे, डबल मीनिंग के नाम पे एक लाइन नहीं है। ये राजू मान जी बैठे हैं, इन्होंने डायलॉग लिखे हैं, फिल्म लिखी है, एक लाइन ऐसी नहीं मिलेगी पूरी फिल्म के अंदर हमारी कि जिसके अंदर आपको लगे कि ये नहीं होनी चाहिए या क्यों है। कोई सेक्स नाम की कोई चीज़ नहीं, वायलेंस के नाम पे थप्पड़ नहीं, गाली के नाम पे कुछ नहीं, तो फिर भी लेकिन आप ढाई घंटे हिलते नहीं हैं। बड़े बड़े आशुतोष गवारीकर का ये मानना है फिल्म देखने के बाद, सुरेंद्र शर्मा जी का ये मानना है, कुंवर बेचैन जिनकी डेथ हो गई, वो मरने से पहले उनको नहीं पता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने 17 मिनट का एक ऑडियो भेजा मुझे इस फिल्म को लेकर के, अल्पना सुहासिनी को भेजा, उसने मुझे भेजा। सुरेंद्र शर्मा ने जो बातें कही हैं इस फिल्म को देखने के बाद, वो एक इतिहास में लिखे जाने लायक है। बोला मैं बहुत सालों बाद फिल्म देखी, आमिर खान की देखी थी एक, और मुझे मैंने 100-100 करोड़ की फिल्में देखी, बोला मैं 5 मिनट तक नहीं देख सकता, और इस फिल्म में मुझे 2.5 घंटे हिलने नहीं दिया। ये फिल्म बॉलीवुड वालों को दिखाओ कि फिल्में ऐसे भी बनती हैं कम पैसे में, ये फिल्म लोकल नहीं है, रीजनल नहीं है, ये इंटरनेशनल फिल्म है, ये उनके शब्द हैं, आज भी रिकॉर्डेड है यूट्यूब में। तो कहीं भी हो सकता है, काम तो काम होने का ये नहीं है, मैं ये नहीं कि मेरी फिल्म है मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं, मैं दूसरों के शब्द बोल रहा हूं जो बिल्कुल सच्चाई से लगता है कि हाँ इनका सही रिएक्शन है, ये चापलूसी नहीं है, मेरे को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे, मुझे मालूम है ये रिएक्शन सही है। और दुनिया के रिएक्शन, आम लोगों के रिएक्शन भी मैंने देखे हैं, जहां हंसना है वहां हंसे, जहां रोना है वहां रोए, जहां ताली बजानी वहां ताली बजाए, जहां मतलब स्टैंडिंग ओवेशन देना है लास्ट में वहां वो दिया, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। तो बस लेट अस होप के भी सिनेमा हॉल के अंदर ऑडियंस आकर के ये सब करे। हरियाणा की जो ऑडियंस है वो भी एक अलग ही विजन रखती है, या तो देखती है या पूरा मतलब पूरा ही नकार देती है, इग्नोरेंस ज़्यादा है हरियाणा में, मतलब कि फैमिली का जो कंटेंट है वो एक तो बचा नहीं है, ना ही इनके जैसे हमारा कोई चैनल नहीं है प्रॉपर डिश पे, ऑन एयर चैनल जैसे पंजाबी चैनल ग्रो कर गए हैं, वेब सीरीज भी अब शायद आने लगी हैं, बहुत ही रेयर है, उनके कॉन्सेप्ट उठा लिए जाते कि हाँ भाई ये ठीक है, थीम हो गई, जैसे कलर्स पे कभी चैनल चल रहा है तो वो प्रॉपर कब आएगा कि हाँ यही असल में हरियाणा है, वो अभी भी मतलब उसमें जो किरदार कर रहे हैं वो भी हरियाणवी ठीक से नहीं। जब भी कोई क्रांति की शुरुआत होती है ना तो थोड़ी टाइम लगता है, शुरू में मजाक उड़ेगा, शुरू में लगेगा कि कुछ नहीं है, ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से मैं इसमें जी रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि सुपुआ के लोग और नई जनरेशन के लोग जो बहुत कमाल के काम कर रहे हैं और अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा हरिओम कौशिक है वो फिल्में बना रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बना रहे हैं। अभी एक फिल्म चल रही है फौजा, इसमें पवन मल्होत्रा जी मेन रोल कर रहे हैं, कमाल की फिल्म बन रही है, एक इसका नाम से हरियाणा, ये एक संदीप बांसवाड़ा ने फिल्म बनाई है जिसमें राजू मान जी ने भी काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, कमाल की फिल्म बनी है, और मतलब क्रांतिकारी फिल्म कहलाएगी वो मनोरंजन के नाम पे, जिसमें हंसी मजाक रोना रोमांस ये वो सारे इमोशन मिलेंगे। मैं मतलब ऐसी ही फिल्मों की मैं उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी कि हरियाणा के अंदर आएंगी, और एक ब्लास्ट होएगा और क्रांति होगी, और जैसे सैराट फिल्म ने किया मराठी में, ऐसा ही हरियाणा के अंदर एक चाहिए, एक दो कुछ फिल्में ऐसी हो गई एकदम दिशा चेंज हो जाएगी, और एकदम प्रोड्यूसर भाग भाग करके आया करेंगे, और एकदम से नया कुछ शुरू होगा। अभी पैसा नहीं है मार्केट में, एक्टर करते हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है ढंग से, डायरेक्शन करते हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है,
टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है लेकिन काम उनको अच्छा चाहिए। तो इसीलिए स्टेज ऐप है। स्टेज ऐप एक बहुत बड़ी क्रांति है हरियाणवी उस कल्चर को लेकर के, हरियाणवी कलाकारों को लेकर के। बहुत काम मिल रहा है, अच्छा है, बेशक कम पैसा होगा शायद, मुझे नहीं पता कितना क्या है, लेकिन स्टेज ऐप एक क्रांतिकारी कदम है और बहुत जल्दी ही अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। अभी दहलीज रिलीज हुआ है, बड़ा अच्छा ट्रेलर है, मैंने देखा नहीं, अच्छे अच्छे काम आ रहे हैं, देखते हैं आगे। और भी प्रेमनगर देखा मैंने, बहुत बढ़िया था। और भी कौन सा था वो एक नौकरी के ऊपर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिस जो नौकरी निकलती है उसको क्या बोलते हैं वो, हाँ डी ग्रुप, वो था, बहुत बढ़िया था वो भी। और ये मेरे यार की शादी है या शादी में जरूर, कौन सा था, मेरे यार की शादी है, बहुत बढ़िया, विश्वास चौहान। ऐसे काम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं। चाय बेशक ठंडी हो गई लेकिन अच्छा काम सब चल रहा है। लेते आप पहले और आ जाइए चाय। नहीं नहीं नहीं, चाय ले ली मैंने जितनी पीनी थी। हाँ जी सर। तो कितना लंबा इंटरव्यू चल रहा है सर? मैं तो पूछा ही नहीं कुछ, आप ही बता रहे हो जब से। ये ले तो मैं बता के पूछ रहा हूँ, जो तू पूछ रहा है वही तो बता रहा हूँ। अब बात से बात निकलती है, देखो ऐसा नहीं होता है, कभी भी ये नहीं होता कि 2+2=4। क्रिएटिविटी में हमेशा 2+2=5 भी हो जाए कई बार, तो चिंता मत कर। हरियाणा की क्रिएटिविटी भी अलग है सर, ये तो अलग जाती है, बिल्कुल अलग खड़ी होती है। चाहे इसमें फिल्मों में ले लो, लठमार तो डायरेक्टर भी अलग ही विजन। हाँ क्रिएटिविटी अलग ही है। वो देख जो हरियाणा में वो फिल्म देख रहा है, चेदरी अंगुली दांत में डाल गए, बोले शोले देख रहे थे, बोले जो शर्त लगा ले अमिताभ मरेगा एंड में, बोले अरे भाई सपने भी रहा है मरेगा, तू काय की शर्त लगा रहा है। तो क्रिएटिविटी तो अलग अलग है। कॉमेडी बहुत अच्छी बना सकता है। अरे कॉमेडी तो बेसिक एक्चुअली यहाँ का वो है, नेचर ही है, वो अभी तक ढंग से निकला नहीं है जी, वो जी, असली सही सिचुएशनल कॉमेडी निकलना, कैप्चर नहीं हुई है, भोंडापन ना लगे, डायलॉग कॉमेडी ना हो, जो बस आप कॉमेडी करो ना हो जाए, ऐसी कॉमेडी की अभी जरूरत है। अभी वो अभी कैप्चर हो जाए ना, जो चीज असल में हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा। अभी मेरे ख्याल आशु मलिक जी एक फिल्म कर रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है, कॉमेडी, राजू मान जी भी उसमें रोल कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, लल्लू की लव स्टोरी। अच्छा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, अगर शायद वो पता नहीं कैसा बना है, वो अब तक देखा नहीं, लेकिन अभी तो काम चल रहा है। पर ऐसे ऐसे कॉमेडी की बहुत जरूरत है, सिचुएशनल कॉमेडी की, रियली अभी तक वैसी कोई कॉमेडी आई नहीं जिसमें चंद्रावल के बाद, क्योंकि उस वक्त चंद्रावल आज चंद्रावल देखो तो शायद उतनी हंसी नहीं आएगी, लेकिन उसने जो मजे दिए थे वो बवाल थे। थिएटर आधे लोगों को मैंने खुद 4-5 बार देखा है, चंद्रावल से ही थिएटर पता लगा, लोग आए थे। हाँ हरियाणवी सिनेमा क्या है, हरियाणवी फिल्में होती हैं, बहुरानी और चंद्रावल जो है वो शुरुआत में बहुत बढ़िया रहे। ठीक है सर, एंड करते हैं अब। एंड करो भाई, है ना, चलिए आप ही बंद कर दो, हम तो नहीं कर पाऊंगे। चलो थैंक यू सो मच आपको, रासकला मंच को, हर किसी को। रासकला मंच के मैंने काफ़ी सारे ब्रोशर पढ़े और नाटकों के बारे में भी सुना देखा, और जिन जिन लोगों को सम्मान किया उनका भी मैंने देखा। मैं रियली अप्रिशिएट करना तो एक अलग बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ रवि मोहन जी को और उनकी पूरी टीम को, इतनी शिद्दत के साथ काम करना और इतने लेविश तरीके से थिएटर को पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं थिएटर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम कमर टूट जाती है और आदमी हार जाता है, लेकिन इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हो और इतने सही सही शख्सियतों को सम्मानित कर रहे हो और ऐसे ऐसे अवार्ड दे रहे हो, जो कि मैं रियली बिल्कुल बिना पार्शलिटी के, बिना भेदभाव के, बिना लाग लपेट के, और इतने बढ़िया बढ़िया नाटक, हरिशंकर परसाई के नाटक, गिरीश कर्नाड के नाटक, अंतन चेखव के नाटक, जितने सारे सांग भी, इवन बहुत सारी जो चीज़ें जो वेरिएशन है, मैं रियली रासकला मंच को, रवि मोहन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भविष्य के लिए, अगले साल के लिए भी, हर साल के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि हर साल एक से बढ़कर एक और आगे बढ़े और बढ़िया काम करे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो थिएटर चलो थिएटर चलो थिएटर। थैंक यू सर।